का सबसे मुश्किल काम है किसी नए काम को करने का इरादा करना और उसके बाद उस काम में रवानी लेकर आना। मतलब आपने ठान लिया है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ ऐसे काम करने जो आपने अपनी जिंदगी में नहीं किए। आप एग्जांपल के लिए मुझे ले लो, बीइंग अ कैमरा कॉन्शियस एंड इंट्रोवर्ट आई स्टार्ट व्लॉगिंग, इट इज हार्ड फॉर मी। मैंने अभी तक भी इसको फ्लो में लाने के लिए कुछ नहीं किया है। सो देयर इज अ थॉट इन माई माइंड विच आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट कॉन्स्टेंटली दैट आई शुड स्टार्ट मेकिंग रेगुलर व्लॉग्स, मतलब वेयर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मी दैट आई विल बी शेयरिंग माई फन एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई विल बी शेयरिंग माई थॉट्स। तो मैं एक स्टोरी में अडेप्ट करके वीडियो के जरिए शो कर सकता हूँ। तो ये तो हो गई एक बात। साथ ही साथ मैं अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए आई एम सेटिंग सम गोल्स फॉर माई सेल्फ। प्रोक्रास्टिनेशन बहुत भारी सा वर्ड है इसका मतलब, लेकिन मैं समझा देता हूँ अपने तरीके से। कल तो एक ख्वाब है, जो होना है वो होना आज है, और जिस कल का तुझे इंतजार है वो कल ही आज है। बहुत डीप लाइन, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा सुन लेना। तो पॉइंट ये है कि आज से खुद को टोपी पहनाना बंद। मैं जो अपने आप से झूठ बोलता हूँ, आज से नहीं, कल से नहीं, संडे को करूँगा, कर लूँगा, लेकिन होता नहीं है वो। तो आई वॉन्ट टू अडेप्ट थिंग फ्रॉम द बेस्ट इन द गेम, इंस्पायरिंग इंटरेस्टिंग रियल एंड रॉ व्लॉग्स। बाकी जिन्हें पता है उन्हें पता है। गोल नंबर 3, एक्सपेंड माई सेल्फ क्रिएटिवली। मतलब आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स, आई वॉन्ट टू इनोवेट माई सेल्फ। छोटे से गोल्स जिनको मैं अचीव करना चाहता हूँ अपने रेगुलर व्लॉगिंग से। और इसके अलावा जो भी मेरे 4-5 व्लॉग थे उसमें लोगों की शिकायत थी कि भाई आपके व्लॉग्स की वॉइस क्वालिटी में नजाफत नहीं है, तो उसके लिए ये खाली है, ये उससे लगा हुआ है। अगर मेरी आवाज थोड़ी सी भी ऊंची सुनाई दे रही है मेरी पिछली वीडियोस के मुकाबले तो ये काम कर रहा है, अगर वैसी ही है तो कुछ और करते हैं आगे इसके लिए। बाकी नमस्ते आदाब, कल होगी आपसे मुलाकात। तो एक कहावत है इंग्लिश में, कीप वॉकिंग द वॉक वन स्टेप एट अ टाइम। मैं इसको अपने तरीके से बोलूँगा तो कीप असेंडिंग बट नेवर बेंडिंग।